गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि धर्म क्या है? जो हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज है उनका क्रियान्वयन धर्म है, या फिर हम वर्तमान में जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र के जो हमारी कर्तव्य हैं तो उनका सही तरीके से निर्वहन धर्म है, या फिर किसी ज़रूरतमंद की जो मदद करना धर्म है? तो गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए कि धर्म की सही परिभाषा क्या? ये तीनों धर्म नहीं, तीनों धर्माचरण है। धर्म है हमारे अंदर के शुद्धता का नाम, अंदर की पवित्रता का नाम। हम अपनी पवित्रता के लिए अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और अपनी संवेदनशीलता को टिकाए रखने के लिए ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। तो पवित्रता को बनाए रखना, प्रतिबद्धता को सुरक्षित रखना और संवेदनशीलता को बनाए रखना, ये धर्म है। और उसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वो धर्माचरण। एक सुझाव दूंगा, आपने कविता बहुत अच्छी लिखी, लेकिन आप लोग सब पीएससी की तैयारी में लगे हैं, कविता करोगे तो पीएससी नहीं कर पाऊँगा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब मैं शुरुआती दौर में था तो कविता लिखता था, पर उन दिनों देखा कि कविता लिखने के बाद जब तक दो चार को सुनाओ नहीं तब तक चैन नहीं आता। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, इससे तो बहुत टाइम किल होता है, बहुत टाइम किल होता है, तो मैंने कविता लिखना बंद कर दिया। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर उसी में उलझा होता तो मैं अपने जीवन को कविता नहीं बना पाता, कविता ही लिखता रहता। चूँकि आपका लक्ष्य बड़ा है, बहुत अच्छी प्रतिभा है, क्षमता भी है आपके अंदर, पर तुम्हारे माध्यम से तुम सब पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कहूँगा, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चे अभी पढ़े और फिर आगे बढ़े, धीरे 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 अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।